कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डि ग्रुप से जुड़े होनहार छात्रों आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रतिदिन की भांति पुनः कक्षा 12 हिंदी के साथ उपस्थित हूँ। आज का शीर्षक है कामायनी महाकाव्य से संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके पहले के छंदों को हम लोगों ने पढ़ा है, आगे के क्रम में जो छंद आता है आज उसका अध्ययन हम करेंगे। छंद किस प्रकार है? कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधेर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको भीड़। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करो या क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। मन उस समय उदास हैं, सृष्टि के विनाश को देख करके बहुत दुखी हैं, उनके मन में मस्तिष्क में अवसाद है। श्रद्धा चलते चलते उनके पास तक पहुंची है, जिसका वर्णन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए श्रद्धा के लिए आगंतुक शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि श्रद्धा ही चल करके मन के पास पहुंचती है। संदर्भ बच्चों पूर्ववत है, संग में जब श्रद्धा मन के पास पहुंचती है, उनके हृदय की उदासी और वेदना को समाप्त करना चाहती है। मन के अंदर एक नया बोझ, एक नई ऊर्जा भरने का प्रयास करती है। उसी क्रम में वह मन को समझाती हुई कह रही है, कहा आगंतुक। किसने कहा? आगंतुक ने। आगंतुक यहां कौन है? श्रद्धा है। किस तरह से कहा? सस्नेह प्रेम पूर्वक। आगंतुक श्रद्धा ने सस्नेह प्रेम पूर्वक कहा। किससे कहा? मन से कहा। क्या कहा? अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तू संसार की इस उदासी को देख करके, सृष्टि के विनाश को देख करके इतना अधीर, इतना व्याकुल क्यों हो गए हो? हार बैठे जीवन का दाव। तुम जीवन का दाव, जीवन का जो अर्थ होता है, जीवन का रहस्य, उसे ही भूल बैठे। वीर पुरुष जिस जीवन की बाजी को अपने प्राणों की आहुति देकर भी उस बाजी को जीना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे जीवन के दांव को, जीवन की बाजी को आप हार चुके हैं। वीर पुरुष इस जीवन की बाजी को, जीवन के रहस्य को, जीवन के अर्थ को अपने प्राणों की आहुति देकर भी जीना चाहते हैं। मर्द जीतते मरकर जिसको भी, वीर पुरुष अपने प्राणों की आहुति देकर भी जिस बाजी को, जिस जीवन के रहस्य को जीना चाहते हैं, अर्थ को सार्थक करना चाहते। तप नहीं केवल जीवन सत्य। श्रद्धा मन से कह रही है, तुम जो तपस्या कर रहे हो, जीवन का यही वास्तविक सत्य नहीं है, यही लक्ष्य तुम्हारा नहीं। कर्म या क्षणिक दीन अवसाद, सृष्टि के विनाश को देख करके तुम्हारे अंदर एक जो करुणा है, निराशा है, अवसाद है, वह क्षणिक है। एक समय आएगा यह सारा अवसाद और वेदना समाप्त हो जाएगी। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। तुम्हारे अंदर गतिशील आकांक्षाओं से भरा हुआ सुसज्जित आशा और प्रसन्नता का संसार सोया हुआ है। तुम कर्म क्षेत्र में उतरो, कर्म क्षेत्र में लग जाओ और अपने जीवन को सार्थक करो। बच्चों व्याख्या के अंश में आज इतना ही, शब्दार्थ आप देख लेंगे और भाव साम में आप चाहें तो लिख सकते हैं। वेदना विकराल धारण रूप करती जब प्रसव की, तब नया इतिहास गढ़ने जन्म लेता एक बालक। दंश कितने झेलता जब बिजलियों का आसमान, ओठ से तब बादलों की बूंद गिरती है धरा पर। बच्चों साहित्यिक सौंदर्य में प्रस्तुत छंद में शांत और अद्भुत रस है और अलंकार अनुप्रास शब्द शक्ति लक्षणा शैली छायावादी प्रबंधात्मक शैली भाषा शुद्ध साहित्य हिंदी
खड़ी होती है। बच्चों आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। पुनः अगले अंक में फिर मिलेंगे।